गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई मैं गलती कोई नहीं है, हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है, जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझ रहा खत्म तो कि क्या जवाब दूं मैं कि बड़ा भाई बना लिया मैंने और बड़े भाई ने ये सलाह दी है, शर्मिंदा करवा दिया मुझे तूने, या बड़ा भाई बना ही लिया उसका फर्ज तो निभा लेता, तुझसे कोई मांग करी कुछ तो आ, तेरी जान बख्श दी बल्कि, क्यों क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई, इतनी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वाले ने कर दिया काट के भेज दिया, मेरा मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था, वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी, मसला सुलटा ले जितना जल्दी हो सके भाई, और तुझे हम नेताओं जैसे नहीं, जिसे तेरी बेबाकी पसंद थी एक बार कि तेरी वीडियो देखी थी मेरे बड़े भाई जब तुमने कहा था कि जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे ज्यादा बार मैं यहाँ का सदस्य चुन के आ चुका हूँ, मुझे मत समझाइए, वो तेरे लाइन पसंद आ गई थी इसलिए बड़ा भाई बना लिया, और क्या करा तूने हैं, इज्जत ही ना रखी हमारी हैं, विष्णु भाई ने फोन करवाया जैमर बंद करवा के करवाया, जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं, 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए, अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर, और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे और तूने फोन ना उठाया, ठीक, ये था एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे, एक हाउस पार्क दोपल्ली ठीक, दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर, तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया, चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम वो भी, और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस, सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास, और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है, और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमो परमानपुर 852-137 पिन कोड, और फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब घूम कहाँ घूमेगा, 72 परमानपुर भटांडा, तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहां से बात कर ले हैं, भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कराया और तूने फोन ना उठाया हैं, और फिर तेरी वही हरकत हो गई हैं, अच्छी वाली सलाह हो रही थी उसके बावजूद नहीं नहीं अगर खत्म हो रही है, ले सुन ले भाई की तरफ से, ये कच्चे चबा दिए ना, घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना, गाड़ियां किसी और से। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए, मैं पिए हूँ साहब का, पिए हैं साहब का, जी जी पप्पू यार से बात कर रहे हैं, जी जी एमपी साहब के, बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है, आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गल
कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई भी दुश्मनी दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने, मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके, अरे वैसे लिख